हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 में कंपनी फाइनल अकाउंट, जिसमें 11th में हमने जो सीखा था फाइनल अकाउंट वो इंडिविजुअल पर्सन का था। पार्ट 1 में जो सीखा था वो पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट था, और ये जो है कंपनी फाइनल अकाउंट है जिसमें हमें क्या करना है, ये बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें फॉर्म तैयार करना है। यहाँ बैलेंस शीट वाला फॉर्म, और इसमें देखो अलग अलग चीज दी है, शेयर कैपिटल और उसके अंदर जो भी चीज आती है वो, पर इसमें हमें ये प्रिपेयर करना है, ये टेबल पूरा कंप्लीट हमें बनाना है, और ये उसके अंदर कोई भी अमाउंट जो भी आती है उसके हिसाब से यहां लिखा हुआ है कि कौन कौन सी आ रही है, तो वो करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। बराबर, ये दोनों चीज करनी है परफेक्ट, और उसमें से अमाउंट रखनी है। बराबर, बहुत इजी है। तो यहां देखो क्या करना है, बैलेंस शीट पहले समझते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज अ डैश। बराबर, बैलेंस शीट एज अ एट डैश, जो भी कंपनी है कंपनी का नेम लिख सकते हैं, पर्टिकुलर नॉट नंबर, यहां 1 से लेके 20 तक ये जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें याद रखना है। बराबर, जो भी एंट्री आएगी उसके रख के और उसमें अमाउंट टोटल करनी है। बराबर, जो भी 12th में पार्ट 1 में जो बैलेंस शीट हमने सीखी थी वैसी ही है, पर इसमें हमें क्या करना है, ये सीधी लाइन में लिखना है। बराबर, पहले लायबिलिटीज साइड की जो भी है वो लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी में कौन कौन सी चीज आती है, शेयर होल्डर्स फंड आएगा। बराबर, जिसमें शेयर कैपिटल और एंड रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे। बराबर, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आएगा, यहां देखो शेयर कैपिटल में यहां अलग अलग कंपनी, यहां कोई भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बराबर, इश्यू किए हुए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। बराबर, वो सब यहां शेयर कैपिटल में लिखेंगे, और सब्सक्राइब फुल्ली पेड अब शेयर कैपिटल, तो उसके हिसाब से इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर जो भी आएगी वो लिखना है। बराबर, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, बराबर सब्सक्राइब किया हुआ है पर फुल्ली पेड हुए नहीं है तो वो भी हमें लिखने। बराबर, और टोटल जो भी शेयर पेड नहीं हुए, फोरफीटेड फेड, जो जब्त किए हुए शेयर है, बराबर, जो वापस लिए हुए शेयर है, तो वो हमें यहां लिखने। यानी क्या होगा, शेयर कैपिटल के हिसाब से इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के रिलेटेड कुछ भी होगा वो सब यहां लिखेंगे। बराबर, ए में शेयर कैपिटल में। ओके, नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहां देखो अलग अलग दिए हुए रिजर्व एंड सरप्लस। बराबर, सरप्लस अस पर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है तो लिखना है, लॉस है तो माइनस करना है। अप्रोच ऑफ द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जनरल रिजर्व प्रपोज डिविडेंड। बराबर, डिविडेंड जो इश्यू किया है वो हमने माइनस करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव, तो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है वो भी लिखना है यहां, जनरल रिजर्व वो भी लिखना है। बराबर, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनरशिप फॉर्म में, यहां कंपनी में वैसे यहां सरप्लस सब रिजर्व यहां लिखने, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर, रिडीमेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विटेशन फंड, रिजर्व फंड, ये सब हमें याद रखने हैं। बराबर, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लूएशन रिजर्व, लॉस अस पर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। बराबर, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस हमें सब लिखने हैं। बराबर, देन उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बराबर, ये सब हमें लिखने हैं। तो पहले लॉन्ग टर्म में क्या आएगी, डिबेंचर। बराबर, डिबेंचर वो कंपनी में क्या होता है, डिबेंचर जो बाहर से ली हुई इंटरेस्ट से ली हुई पैसा है। बराबर, यानी डिबेंचर वो हमें पेड ही करना है इंटरेस्ट के साथ। लॉन्ग टर्म लोन और टर्म लोन, जो भी लोन के ऐसा कुछ लिया हुआ है वो लेना है, बॉन्ड लेना है। बराबर, नर्मदा निगम बॉन्ड, वैसे ही जो भी होते हैं वैसे बॉन्ड जो भी आएंगे वो लिखने हैं। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट लिए उसके हिसाब से लेने, ये लॉन्ग टर्म आएंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या आएगी, प्रीमियम ऑफ द रिडीमेबल मेजर ऑफ द डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडीमेबल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बराबर, ये डिबेंचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो लिखेंगे। बराबर, देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन,
वो क्या आएगा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड, पेंशन फंड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर सेविंग अकाउंट, ये सब किस में आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। बराबर, यानी क्या होगा, ये सब क्या है, वर्कर रिलेटिव है। बराबर, तो उसके हिसाब से जो भी चीज होगी वो सब उसमें लिखनी है। अब उसके बाद बैलेंस शीट में थर्ड दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज, जिसमें 6, 7, 8 और 9 नॉट नंबर है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बराबर, बोरोइंग एंड ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो सब हमें लिखने हैं। तो यहां देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग में शॉर्ट टर्म लोन जो 12 मंथ के अंदर जो लोन पेड करते हैं, बराबर, टीवी है, फ्रिज है, तो उसमें क्या होता है, 8 मंथ की होती है, बराबर, लोन, तो वो शॉर्ट टर्म में जो भी पेड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन 12 मंथ के अंदर। और बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बराबर, कहीं से क्रेडिट ली हो वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है वो। ट्रेड पेएबल, उसमें क्या आएगा, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, जिसको हमें पैसे देने हैं, बराबर। अदर करंट करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो लिखने हैं, इनकम रिसीव एडवांस में हमें जो इनकम मिली है वो लिखने हैं, अनक्लेम डिविडेंड, क्लेम नहीं हुए वैसे डिविडेंड है वो लिखने हैं, डिबेंचर एंड पेफ्रम यानी प्रीमियम ऑन रिडेप्शन पेबल ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ, बराबर, 12 मंथ के अंदर हमें जो पेड करना है तो वो लिखने हैं, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में जो हमने कॉल इक्विटी शेयर या शेयर के पैसे भरे हुए, एडवांस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स, कस्टमर से एडवांस पैसे मिले हो वो लिखना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर में जो भी पेड करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है वो लिखना है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर द टैक्स, टैक्स के रिलेटिव है, प्रोविजन डिविडेंड, बराबर, जो प्रोविजन डिविडेंड है वो हमें यहां लिखने हैं। यानी क्या होगा, ये ओनली बैलेंस शीट साइड जो आता था वही यहां आएगा, बराबर।